के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली हुई, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की भारत बचाओ रैली पर पलटवार किया। सतीश पुनिया ने कहा कि पहले कांग्रेस राजस्थान को बचाने की कोशिश करें। उन्होंने यूरिया की किल्लत, कानून व्यवस्था, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस की रैली को फेल बताया। साथ ही कहा कि अगर राजस्थान में नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं किया गया तो बीजेपी विस्थापितों के साथ आंदोलन करेगी। वहीं अरुण चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सरकार केवल नाम बदलने में लगी रही। किसान एक बड़ा तबका है जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। कर्जा माफी की बात की तो बात जस की तस है। बेरोजगारी भत्ता और कानून व्यवस्था, ये तीन प्रमुख मुद्दे होंगे और गांव का विकास, ये चार मुद्दों पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। आम आवाम का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने के लिए सरकारी संसाधन झोंक कर रैली करके लोगों को मूल मुद्दों से अलग करना चाहती है, जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। राजस्थान ने, हिंदुस्तान में कांग्रेस का अस्तित्व संकट में है, इसी प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार की रैली का आयोजन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत बचाओ रैली आज एक बार फिर पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। देश में उनके अपील का असर बिल्कुल समाप्त हुआ और विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वो भीड़ को ले जाने के लिए तरसते गए। सारे सरकारी संसाधन लगाने के बाद भी वहाँ कुछ सैकड़ों लोग ही पहुँच पाए, अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव कम हो रहा है।